हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, अब सर्दियाँ बढ़ ही रही हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं हुई विशेष सर्दी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि अब दिसंबर आने वाला है। और फ्रेंड्स, अब हम लोग ज़्यादातर बिजी हो जाते हैं अपने सर्दियों के प्लांट्स पर, लेकिन हमें अपने जो परमानेंट प्लांट हैं उन पर भी हमें ध्यान देना है। जो हमारे समर ग्रोइंग प्लांट कहिए या जिनकी समर में ग्रोथ अच्छी होती है और सर्दियों में उनकी ग्रोथ थोड़ी बंद तो नहीं कहेंगे, रुक जाती है, जिसे हम डोरमेंसी पीरियड कहते हैं, तो उनके भी हमें पौधों की देखभाल करनी है। कुछ टिप्स हमें ऐसे हैं जिनको अपनाना है और उनको अपनाकर हमें अपने जो परमानेंट प्लांट्स हैं उनकी देखरेख करनी है। उसी विषय पर मैं बात करूंगी और एक राउंड आपको दिखा भी दे रही हूँ हमारा गार्डन किस तरीके का चल रहा है। सर्दियों के हमने प्लांट्स लगाए तो हैं, लेकिन मैं बहुत थोड़े लगाए हैं क्योंकि अभी देख रहे हैं बादल, देखिए अभी से ही धूप निकलना बंद हो गई है। हम लोगों के यहाँ यही प्रॉब्लम होती है कि बस पहाड़ों पे धूप अच्छी निकलती है, जबकि हम लोगों के यहाँ बस कोहरा सा वैसा होगा। तो हम यही बात करेंगे कि गर्मियों के कुछ प्लांट्स जो परमानेंट प्लांट्स सभी जानते हैं फ्रेंड्स, उनमें हमारा क्रोटॉन भी है। क्रोटॉन की ग्रोथ गर्मियों में बहुत अच्छी होती है, लेकिन सर्दियों में इनको थोड़ा सा ये डाउन हो जाते हैं, जिसे हम लोग डोरमेंसी पीरियड या सुप्तावस्था कहते हैं। ग्रोथ कम हो जाती है और उनकी देखभाल भी करनी है, नहीं तो के पत्ते जो हैं जैसे चमकीले और स्वस्थ हैं वैसे नहीं रह पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों के यहाँ जो कोहरा और पाला का अटैक होता है वो इन पौधों को मार देता है और इनके पत्तियों को भी झाड़ देता है। तो यदि कुछ हम इन्हें एनवायरनमेंट गर्मियों वाला दें, तो चूंकि ये गर्मियों के पौधे हैं, कुछ गर्म माहौल दें तो ये निश्चित ही पौधे अच्छे बने रहेंगे। उनमें सबसे पहली चीज़ तो एक तो इन्हें ओस और पाला से बचाना है फ्रेंड, हमें इनको ऐसी जगह पे छायादार जगह पे रखना है, और छायादार जगह पॉसिबल ना हो तो कुछ कपड़ा वगैरह डाल के इनको केयर करनी है, और पानी का भी बहुत ध्यान इन पौधों पर देना है फ्रेंड्स। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं देना है और बहुत कम भी नहीं देना, 4-5 दिन पे ज़रूर देखना है कि मिट्टी सूख गई है कि नहीं। उनमें से हमारी एक तुलसा रानी भी आती हैं जिनकी शिकायत रहती है कि सर्दियों में ख़त्म हो गई, तो इनको तो निश्चित ही छायादार जगह पर रखें। और हमारा देखिए छज्जा शेडेड है और बाहर भी एक शेड में ही रखी है, और थोड़ा सा इनको धूप मिले ऐसी जगह पे आप प्लेस कीजिए। मेरे यहाँ सुबह ही सुबह इस साइड में धूप आ जाती है, तो थोड़ा इनको धूप भी मिलनी चाहिए। और ये हमारे विंका के प्लांट्स भी जो हैं, ये भी देखिए इनके फूल के साइज़ कितने छोटे छोटे हो गए हैं। इनको भी थोड़ा सा छाया में ही रखें क्योंकि, और पानी तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं दें, उसमें हमारे एडेनियम भी आते हैं। देखिए एडेनियम ने सब अपनी पत्तियाँ गिरा दी हैं, और मैं इन्हें प्रून कर लेती थी अक्टूबर में, लेकिन अब की बार मैं कर नहीं पाई, बाहर आहर घूमने चली गई, तो अब मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बस इनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। और अभी तो थोड़ा सा ऐसे ही हमने फवारे से पानी दिया, लेकिन इनको आप पानी बिल्कुल भी मत दीजिए जितने एडेनियम हैं। और जब फरवरी आएगी तब ये थोड़े से जगेंगे और तब मैं इनकी प्रूनिंग वगैरह करके इनको रिपोर्ट करूँगी नई खाद डाल डूल के, तो उस तरह से देखभाल करेंगे। मनी प्लांट भी है, मनी प्लांट भी अच्छा चलता है, ऐसा नहीं है कि सर्दियों में चलता नहीं, बस थोड़ा ओस पाला से बचा रहे और थोड़े इनके पत्ते वगैरह जो ख़राब होते हैं उनको निकालते जाएं। उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन ग्रोथ बढ़िया होती है। देखिए मैंने कैसा डोर टाइप इसको घेर के बनाया है। तो वही हम बात कर रहे थे कि जितने भी हमारे इनडोर प्लांट्स जिसे हम कहते हैं, बाहर मेरे विशेष रूप से रखे हैं, उन सबको जो है आप थोड़ा शेडी एरिया प्रोवाइड कीजिए, पानी कम दीजिए, और दूसरा थोड़ा सा इनको धूप जरूर बीच बीच में दिखाइए। यदि आपने पौधे ऐसी जगह रख रखे हैं जहां धूप नहीं पहुंचती, तो आप उन्हें उठा उठा के धूप दिखाइए, क्योंकि धूप बहुत पौधों को ज़रूरी है। ठंड के ये पौधे होते हैं, ठंडी से एकदम वो हो जाते हैं, जबकि इनको गर्म एनवायरमेंट चाहिए, तो गर्मी देने के लिए हमें इन्हें धूप दिखाना है। इस कॉर्नर में देखिए मेरे जितने जेड प्लांट वगैरह थे वो मैंने सेट में रख दिया है, और इधर देखिए इधर मैंने सेट कर दिए हैं प्लांट, और अभी आज मैंने 4-5-6 दिन बाद इनको थोड़ा सा पानी दिया है, क्योंकि पानी तो देना है, जब मिट्टी सूख जाए तब तो आप पानी 4-5 दिन में दीजिए, डेली नहीं देना है।
और रिहो के प्लांट वगैरह भी जो हैं, ड्रेसना के जितने भी प्लांट्स हैं फ्रेंड, उनको सबको आप जो है थोड़ा सा शेडी एरिया प्रोवाइड कीजिए, धूप प्रोवाइड कीजिए और पानी का ध्यान रखिए। बहुत सारे सभी हमारे फ्रेंड्स जानते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स हमारे गर्मियों के हैं, कौन से सर्दियों के हैं। जितने भी गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो तो थोड़ा फ्लावर्स देना भी कम कर देते हैं और उनके फूलों के जो साइज होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। अब जैसे देखिए ये गुड़हल ने नहीं दिया, लेकिन इस समय मिर्ची गुड़हल में बहुत फ्लावर्स आए हैं। और अपराजिता की बात करेंगे, ये देखिए अपराजिता की पत्तियाँ भी पीली पड़ने लगी और कुछ दिनों में तो देखना ये पूरे ही पत्तियाँ गिरा देगा, लगेगा कि पौधा चला गया, लेकिन कुछ दिनों में फिर हरा हो जाएगा। और यदि इसको आप धूप की जगह पर कहीं छाया में धर देंगे तो ये हरा भरा भी बना रहेगा। बस थोड़ी सी केयर की बात होती है, लेकिन हम लोग ज़्यादा प्लांट्स जब लगा लेते हैं तब फ्रेंड्स उतना केयर नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई प्लांट्स पे चूक हो ही जाती है। और सभी को शेडी एरिया में रखना भी पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं। मेरे पास तो इतने प्लांट्स हैं कि मैं बोल तो रही हूँ शेडी एरिया में रखें शेडी एरिया में, लेकिन मैं खुद प्लेस नहीं कर पाती हूँ शेडी एरिया में, क्योंकि इतना शेडी एरिया है ही नहीं है। मेरा तो गार्डन पूरा ओपन एरिया में है, लेकिन फिर भी कोशिश जरूर रहती है प्लांट्स को इधर उधर करके रखने की। तो यही हमारा एक छोटा वीडियो है कि बस थोड़ा सा समर वाले प्लांट्स को आप इधर उधर शिफ्ट करके उनको बचाने की कोशिश करें, पानी का ध्यान रखें, उन्हें धूप जरूर दिखाएं। सर्दियों में उनको धूप चाहिए, जैसे हम लोग नहीं, धूप बहुत अच्छी लगती है, और इन पौधों को भी धूप जरूर दीजिए। और विंटर के पौधों को तो धूप चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो फूल ही नहीं देंगे यदि उनको धूप नहीं देंगे। और ये देखिए मेरा बहुत बड़ा प्लांट हो गया है, इसको कट करना है। और यही मेरा एक प्यारा सा गार्डन है, कुछ छोटी सी टिप्स हैं, आपको अच्छी लगी। अब देखिए ये डिफनबेकिया है, डिफनबेकिया को पानी बिल्कुल मत दीजिए, बहुत कम दीजिए, और बहुत सुंदर लगता है डिफनबेकिया के। मैंने कई प्लांट्स बना रखे हैं और इसकी पत्तियां भी कुछ दिन बाद देखना, जरा सा भी पानी ज़्यादा पड़ जाए या धूप नहीं मिलेगी तो एकदम गलने लगेगा। तो थोड़ा इसको भी धूप दिखा दीजिए बीच बीच में। तो ये मेरा प्यारा सा गार्डन है। और फ्रेंड्स, इंडोर प्लांट्स, जो समर प्लांट्स, ग्रोइंग प्लांट्स हैं, उनके लिए मैंने तीन टिप्स आपको प्रोवाइड की हैं। वो तीनों टिप्स यही हैं, पानी का ध्यान रखना है, थोड़ा धूप दिखाना है, शेडी एरिया में रखना है, बस इतना सा ही ख्याल कीजिए इन परमानेंट पौधों का। और फरवरी में फिर इनका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाएगा और फरवरी में फिर ये अपने रंगत पे आ जाएंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आपका गार्डन कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। Thank you for watching.